एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह किसान से संबंधित है। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से संबंधित हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। और यह जो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी निकल चुका है और शायद आपको जानकारी भी होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से आपको इसकी जानकारी देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान क्षतिपूर्ति को 23 तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बताते चलें कि अगर यह वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे आसानी से देख और पढ़ सकते हैं। तो जानकारी पूरी इस प्रकार है कि किसान क्षतिपूर्ति को 23 तक कर सकते हैं आवेदन। नीचे स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि रबी मौसम के फरवरी में ओलावृष्टि से फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए किसान 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर 11 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली के प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। आपको बताते चलें कि अगर आप इन 11 जिलों में के निवासी हैं तभी आपको यह लाभ मिलेगा। अगर इन जिलों में आप नहीं हैं, जो अभी हम आपको नाम बता चुके हैं, तब आपको इसका लाभ जो है नहीं मिलेगा। इसलिए पुनः रिपीट करके आपको बताते हैं कि यह 11 जिला कौन है जिसको इसका लाभ मिलेगा। तो जिला का नाम इस प्रकार है, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली। अगर इन जिलों के आप मूल निवासी हैं तो आपको यह लाभ मिलेगा। आगे की जानकारी इस प्रकार है कि किसानों को यह सहायता राशि मानदंडों के अनुरूप दिया जाएगा। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान असिंचित फसल क्षेत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा कि किसानों को कृषि इनपुट अनुदान असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर, ध्यान दीजिए असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500। पुनः रिपीट करते हैं, असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। और यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर का फॉर्म भर सकते हैं तो उससे लाभ नहीं है, आप अधिकतम 2 हेक्टेयर का ही लाभ ले सकते हैं। अगर आप असिंचित क्षेत्र के हैं तो 6,800 और सिंचित क्षेत्र के हैं तो प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपये आपको दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र की जाएगी। आगे जानकारी इस प्रकार है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ न्यूज़पेपर में नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इस फॉर्म को अप्लाई करते समय क्या क्या आवश्यकता होगी, या फिर आप खुद चाहें इंटरनेट के ज्ञाता हैं, आप नेट चला सकते हैं तो आप जो है इसको अप्लाई स्वयं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ आपका किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो जैसा कि आपको जानकारी है कि पहले भी किसानों का रजिस््रेशन हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जिसके माध्यम से आपका जांच होगा कि आप इन जिलों के हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा इसका वेबसाइट है एबीटी, सुन लीजिए, सॉरी एबीटी नहीं, इसका वेबसाइट नाम है dpt.agriculture.bihar.gov.in। आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पुनः सुन लीजिए dpt.agriculture.bihar.gov.in। आगे बताते चलें कि किसानों का रजिस्ट्रेशन संख्या जो है अति आवश्यक है, बिना इसका जो है आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। इसके बाद जो है आपका भूमि का डिस
डेसिमल में भरना है, वहाँ पे जो भरना है डेसिमल में भरा जाएगा कि आपका जो है क्षतिपूर्ति जो है कितना डेसिमल हुआ है। इसके बाद जो है किसान के प्रकार को भी वहाँ पर अप्लाई भरना है कि आप किस प्रकार के किसान हैं, स्वयंभूधारी हैं, वास्तविक हैं, खेतिहर हैं। तो ये जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करवाएंगे वो इस चीज़ को अच्छे ढंग से जानते हैं तो वो आप स्वयं जो है इसमें आपको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको एक घोषणा पत्र भी वहाँ पर देना होगा कि यह जो क्षतिपूर्ति हम ले रहे हैं यह पूरी तरह सही है, किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो जो है इसको हम पुनः वापस करेंगे। इसके बाद जो है आपका जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर आप ले रहे हैं क्षतिपूर्ति, उसके अगल बगल या नज़दीकी किसान का नाम भी नोट करना है जिससे कि पहचान हो सके। साथ ही जो है आपको बताते चले कि भूमि का विवरण भी देना है और साथ ही फसल को भी सिलेक्शन करना है कि आपका फसल क्या था, गेहूं था, सरसों था, किस प्रकार का था। इसके बाद ज़मीन का सिलेक्शन करना है कि आपका ज़मीन जो है सिंचित है या असिंचित है। इसके बाद जो है आपका थाना नंबर भी इसमें इनपुट करना है कि आपका थाना नंबर क्या है। इसके अलावा खाता नंबर और खेसरा नंबर भी आपको इस फॉर्म में आपको भरना है। तो अपना जो है अगर फॉर्म भरने आप साइबर कैफे के पास जा रहे हैं तो अपना खाता नंबर और खेसरा नंबर भी ज़रूर वहाँ कर लेके जाएँ। इसके बाद जो है ज़मीन का कुल रकबा वहाँ लिखना है कि कितना क्षेत्र में आप जो है फसल उगाए हैं और कितना आपका बर्बाद हुआ है। इस सभी प्रोसेस होने के बाद जो है आपको एक शपथ पत्र देना है कि हम जो भी यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं वो सब सही है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और OTP वहाँ पे इनपुट किया जाएगा। इसके साथ ही जो है आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म लेकर आप जो है किसान सलाहकार के पास आप उनको जमा कर देंगे और बहुत कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कि एक महीने के अंदर, वो पूरे पैसे आपके खाता में आ जाएंगे। एक बात और बताते चलें कि जो है इतना कम समय में सभी जानकारी देना संभव नहीं है, इससे और भी विशेष जानकारी के लिए आप इंटरनेट की सहायता से या फिर जो है किसान सलाहकार की सहायता से इस सभी जानकारी को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई किसी प्रकार का नए कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल AB जानकारी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि किसान से संबंधित नए से नए जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। और भी कोई किसान संबंधित कोई जानकारी आएगी तो निश्चित आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।